इस रहनुमा की एंट्री होने लगी है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तकदीर ही बदलने लगी है। इमरान खान मीर सादक और मीर जाफर को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। पांच प्यारों में शामिल राणा नजीर, जो किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते थे, इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हुए हैं। बुशरा बीबी समेत तीन अहम रहनुमा कौन से हैं जिनसे वकला टीम को मालूमात शेयर करने और बात करने से रोक दिया गया है। लाहौर के अहम तरीन सहाफ़ी को अहम जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं। वो मीडिया कंपेन जो है इस बार सबसे हटके होगी। लो जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी जो है वो सामने आ गई है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात क्या हुए, कैसे हुए, किस तरीके से हुए और अब पाकिस्तान पीपल पार्टी में क्या होने जा रहा है, तीन बड़े सरप्राइज है ना, वो अल्लाह माफ़ करे, बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, चौधरी परवेज भाई की रातों की नींदें उड़ा के रख देंगे, ये मैं आपको बड़ी पेशन गोई कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़िम मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़। तो जनाब, आज हम आपको बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ और पाकिस्तान पीपल पार्टी में किस रहनुमा की एंट्री होने लगी है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तकदीर ही बदलने लगी है। इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी ने कामोकी में सबसे बड़ा जलसा किया है और इसके साथ साथ इमरान खान मीर सादक और मीर जाफर को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्या हिकमत अमली है और किस तरीके से वो इलेक्शन कम्पेन को लेके चलेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बताते चलेंगे इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी की कामोकी में इस वक्त जो कामोकी का सबसे बड़ा जलसा, अवामी जलसा है, वो करने में कामयाब हो गई है, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं इस जलसे में शरीक हुए हैं। इससे कबल किसी भी सियासी पार्टी ने कामोकी के अंदर कोई जलसा नहीं किया। हमेशा जीटी रोड के ऊपर ही जलसा होता था और जीटी रोड के ऊपर ही स्टेज सजाया जाता था। पहली बार कामोकी के अंदर जो है वो जलसा का इनकाद हुआ है। इस बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी तरीन साथी और साबका दौर में पांच प्यारों में शामिल राणा नज़ीर, जो किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते थे और अब वो पाकिस्तान इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हुए हैं और उन्होंने इस जलसे की तमाम तर जिम्मेदारियाँ लीं और इसको कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया और कामोकी में इस जलसे को कामोकी का सबसे बड़ा जलसा भी करार दिया जा रहा है, जिसमें जंगीर खान तरीन, अलीम खान, चौधरी अकरम और इस्तकामे पाकिस्तान की तमाम पार्टी की जो रहनुमा है फिरदौस आशिक वान समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। इमरान खान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मीर जाफर और मीर सादक को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपने वकीलों की जो वकला की जो टीम है उनको बुशरा बीबी और तीन अहम तरीन रहनुमा से जो है बात करने और अहम मालूमात शेयर करने से भी रोक दिया है। ये बड़ी अहम खबर है कि बुशरा बीबी समेत तीन अहम रहनुमा कौन से हैं जिनसे वकला टीम को मालूमात शेयर करने और बात करने से रोक दिया गया है। नैब की टीम ने इमरान खान से जेल में तफ्तीश की और ढाई घंटे ये तफ्तीश जारी रही। इस दौरान इमरान खान ने नैब की टीम को धमकियाँ भी दी और मालूमात फराहम करने और सवालों के जवाब देने से भी इनकारी हुए। मुस्लिम लीग नून की सियासी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल है और लाहौर के अहम तरीन सहाफ़ी को अहम जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं। वो मीडिया कंपेन जो है इस बार सबसे हटके होगी और इसका फैसला करने के लिए जो लाहौर के एक अहम तरीन जर्नलिस्ट हैं उनका बहुत तलक है मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के साथ और उनका दोस्ताना है, अक्सर वो उनकी मीटिंग्स में भी जाते हैं और मुख्तलिफ कौमी अखबारात में भी अभी भी एक बड़े मीडिया ग्रुप के साथ उनका अटैचमेंट है और उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने भी इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ जो मेन सहाफ़ी हैं उनकी एक टीम बनाई है जिसमें काफ़ी नाम, बड़े नाम शामिल हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन सहाफ़ी की जो लाहौर में अहम अहदेदार भी है, कम्युनिटी के एक अहम जो क्लब है लाहौर प्रेस क्लब, उसका अहम अहदेदार भी है, जिनसे उनसे बात हुई है और उनकी बात भी कराई है उनके साथ। तो अब वो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की किस हद तक जो है वो हिकमत अमली कामयाब होती है। लाहौर प्रेस क्लब ने उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो शुरू करने लगे हैं
इस हवाले से उनकी जो अहम अहदेदार है उससे बात भी हुई है। मियां मोहम्मद नवाशी ने 3 मरहल में इलेक्शन कम्पेन का रोस्टर ओके कर दिया है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की अलग अलग सेल बना दिए गए हैं। इलेक्शन कम्पेन को 3 मरहल में मकम्मल किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शबाशी को मकम्मल इख्तियार दे दिए गए हैं। फाइनल हतमी फैसला अगर ज़रूरत पड़ी तो सवाबदी इख्तियार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करेंगे। लो जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी जो है वो सामने आ गई है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात क्या हुए, कैसे हुए, किस तरीके से हुए और अब पाकिस्तान पीपल पार्टी में क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी धमाकेदार एंट्री के साथ आ रही है इस बार इलेक्शन में, तो सबसे पहले आपको बताते जाने कि बख्तावर भुट्टो की एंट्री ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नया सियासी धमाका करने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो के साथ साथ बख्तावर भुट्टो को भी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। बख्तावर भुट्टो बेंजी की जगह ले सकती है और उनको अवाम में, अवामी हलकों में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। और गुज़श्ता चंद माह कबल जो जलसा हुआ था, एक रैली कराची से निकाली गई थी, तो उनको बेंजी भुट्टो करार दिया गया था और बिलावल भुट्टो से ज़्यादा उनको अहमियत दी गई थी और अवाम में उनको बिलावल भुट्टो से ज़्यादा मोहब्बत मिली थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी में इख्तलाफात की मेन वजह भी बख्तावर भुट्टो को इलेक्शन में अचानक उतारना है और बिलावल भुट्टो को फौरी तौर पर सियासी मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जो है अभी इस बख्तावर भुट्टो को थोड़ा सा इंतज़ार कराना चाहते हैं कि उनको बकायदा तौर पे उनकी लॉन्चिंग जो है एक भरपूर तरीके से होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो की जिद के सामने आसिफ अली जरदारी ने भी हथियार डाल दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शबाशवी ने मुखालफिन के लिए 3 बड़े सरप्राइज जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। जो अभी तक इमरान खान की माफ़ी और उसकी सियासत में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं, चंद रोज़ में उनके सामने काफ़ी चीज़ें वाजिया हो जाएंगी। और जो 3 बड़े सरप्राइज हैं ना, वो अल्लाह माफ़ करे, बहुत खौफनाक हैं। और वो पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई की रातों की नींदें उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बड़ी पेशनगोई कर रहा हूँ। लाहौर के तरक्याती कामों का इफ्तिताह आने वाली हुकूमत करेगी। पंजाब में इस वक्त 300 के लगभग छोटे बड़े तरक्याती काम जो हैं वो हो रहे हैं, जिसका इफ्तिताह आने वाली हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर-ए-आला हैं ने पिछले तमाम तरक्याती कामों और उनकी रफ्तार का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। और ये भी बताते चलूँ कि मोहसिन नकवी ने सबको हैरान व परेशान कर दिया है। मोहसिन नकवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाने वालों को मोहसिन नकवी की रफ्तार ही नहीं जो है, जो उनकी रफ्तार थी ना, दिन रात जागना, अचानक रात को विजिट कर देना, अचानक सुबह फजर के टाइम विजिट कर देना, अचानक दोपहर में चले जाना, अचानक फलाने अस्पताल चले जाना, अचानक मुल्तान चले जाना, जंग चले जाना, लाहौर चले जाना, डीजी खान चले जाना, गुजरांवाला कबीना मीटिंग बुला लेना, ये रफ्तार ही उनके मुखालफिन को, उनके ऊपर तनकीद करने वालों को ले बैठी है। मोहसिन नकवी ने ख़ुद को बेहतरीन पंजाब का जो वज़ीर-ए-आला है वो भी साबित किया है। मोहसिन नकवी की वजह से सहाफ़ती वर्कर्स की जो साख थी उसमें भी बेहतरी आई है। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी सहाफ़ती कम्यूनिटी को भी चंद रोज़ में बड़ी अहम खुशखबरी, अहम सरप्राइज़ देंगे। और ख़ास तौर पर एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक फेज़ 2 के लिए चंद रोज़, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद रोज़ के अंदर, ये चंद दिनों की बात है कि बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सहाफ़ियों को मिलने वाला है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ बट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।